पटेल साहब। शुक्रिया जनाब अली। सर सबसे पहले तो मैं अपनी स्पीच में कहूंगा कि आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। बस घबराना नहीं, मेरी तकरीर सुनिएगा, बातचीत जो मैं करूं। सर प्रायोरिटाइजेशन हमेशा से एक अहम इशू रहा, मुख्तलिफ औकात में इस पर सरासर गुफ्तगू भी होती रही और होती भी रहेगी, लेकिन मौजूदा हालात में और गुज़िश्ता गुजरे हुए इन दो सालों में जब हम इस प्राइवेटाइजेशन को देखते हैं तो ये प्राइवेटाइजेशन टोटल चेंज एंड तब्दील प्राइवेटाइजेशन नजर आती है। सर हम तो दो साल पहले बजाय कुछ बेचने के दो चार पड़ोसी मुल्क खरीदने की बातें कर रहे थे, हमारे पास तो इतने पैसे आने थे, हमने तो ये तो हांगकांग जापान वापान तो ले लेना था दो सालों में, 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग रुक जानी थी एक साल में, तो इसमें तो कोरिया आ जाता है इतने का, तो 15 अरब रुपए रोजाना करप्शन हो रही थी वो रुक गई, तो ये नेपाल शेपाल हम खरीद देते, लेकिन ये हम बेचने पर क्यों आ गए? क्या इसी स्टील मिल के बाहर खड़े होकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ऑनरेबल मिनिस्टर असद उमर साहब, उन्होंने ये नहीं कहा था कि कैसे नहीं चलेगी ये स्टील मिल? हर हाल में चलेगी, हर तरह चलेगी, और अगर इसको प्राइवेटाइज किया गया तो हम आपके साथ खड़े होंगे। जमाना वो आ गया है कि वीडियोस अब एक ऐसा मसला बन गया है जनाबे अली कि कुछ छुपा ही नहीं छुपता, ये सारी चीजें मौजूद है। आज आप स्टील मिल के फिर पीछे पड़ गए, दरअसल ये स्टील मिल नहीं, ये स्टील मिल के साथ साथ 12,000 एकड़ जमीन भी है सिंध हुकूमत की। आपने कहा जी हम गरीब नवाज, गरीब लोगों की हुकूमत, गरीबों का ख्याल, कोविड में छाबड़ी वाला कहां जाएगा, कोविड में गरीब आदमी का क्या होगा, और दूसरे ही दिन पीटीडीसी के को मुलाजमीन को कोविड के ही जमाने में 500 लोगों को बगैर कुछ बताए, बगैर कुछ दिए लेटर थमा दिया कि भैया कल से नौकरी पे नहीं आना, जाओ ये है हमारा कोविड। सर कोलो फेल के तजाद का कोई एक पैमाना तो होना चाहिए ना, कोई एक पैमाना, ये बिल्कुल उलट किस तरह हो जाता है। सर हमने कर्जे वापस करने की बातें की थी, हमने तारीखी कर्जे ले लिए, हमने नौकरियां देने की बातें की थी वो भी करोड़ों, अब हम प्राइवेटाइजेशन के जरिए लोगों को बेरोजगार करने जा रहे हैं। सिर्फ एक स्टेटमेंट पर मेरे वजीर के पूरी एयरलाइन बैठ गई, और अब उसका भी अंजाम पता नहीं क्या होगा, यकीनन वही होगा जो इस मुल्क का दो सालों में हुआ है। अब पीटीडीसी के भी सयाह गाह हैं सर काफी, और उनके जो वजीर हैं माशाल्लाह उनकी ईमानदारी और उनकी शौहरत पे सबको इतना भरोसा है कि रोज वैलेट होटल से लेकर पीटीडीसी की सयाह गाहों को सब को खतरा लाहक है सर, सबको, सब चीजों को, ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूं। जनाबे अली इश्यूज पर जब हम बात करते हैं तो हमें उसका जवाब नहीं मिलता। आपके सामने महंगाई पर बात हुई, प्राइवेटाइजेशन जैसे एक अहम चीज है उस पर बात हुई, अभी भी मेरे मौजूद रुकुन ने एक तकरीर फरमाई जिसमें उन्होंने प्राइवेटाइजेशन पे कम बात की और हज़्ब इख्तलाफ की जमातों के कायदीन को ज्यादा बुरा भला कहा। अगर ये ट्रेंड आप चलाएंगे
तो सर फिर इसका हुकूमत को नुकसान होगा, अपोजिशन को बहुत कम, बल्कि ना हो, नहीं होगा। आप लोगों ने कोशिश की कि हर चीज को फोकस किया जाए, मसला यहां पाकिस्तान का, एफएटीएफ का, आलमी बिरादरी का हो, लेकिन आप कहते हैं कि जी वो कराची में देखो क्या हो रहा है। हर चीज को आप कराची से जोड़ रहे हैं, सिंध से जोड़ रहे हैं, उसकी कारकर्दगी से कीड़े निकाल रहे हैं। मेरे भाई, ये पाकिस्तान की कौमी असेंबली है। मैं सर आज भी देख रहा हूं कि 10 साल की रिकॉर्ड बारिश कराची में हुई, 10 साल के बाद 86 मिलीमीटर, और पूरे पाकिस्तान में हुई। हर जगह की वीडियोस हैं, हर जगह गाड़ियां तैर रही हैं। मेरे 14 एमएनए कराची से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, 14 आउट ऑफ 21। उनको 15-15 करोड़ रुपए भी आपने दिए, आपके 6-4 इत्तेहादी एमक्यूएम के भी हैं, उनको भी आपने 15-15 करोड़ दिए। चले हम 3 पीपल्स पार्टी वालों को ना दिए, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इन मेरे एमएनएस ने ये 15-15 करोड़ रुपए अपने अपने इलाकों में सेवरेज के निजाम पर लगाए हैं या नहीं लगाए। कराची एक मिनी पाकिस्तान है सर, 3.5 करोड़ लोग हर माह, एक अंदाजे, मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50,000 लोग आकर सेटल होते हैं वहां। वो एक मिनी पाकिस्तान है। और जब हमारे चेयरमैन ने कहा, और चूंकि आपको उनकी उर्दू पे भी एतराज रहता है, और जब वो अंग्रेजी में बात करें तो कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान है, ये तो अंग्रेजी में क्यों बोलता है, तो उन्होंने कहा कि जब ज्यादा बारिश होती है तो पानी ज्यादा आता है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। लेकिन आपने उसका एक मजाक उड़ाया, अगर मजाक उड़ाने पर हम आ जाएं, तो आपने ऑक्सीजन रात को निकालनी शुरू कर दी थी दरख्तों से, तो लोग रात को वॉक करने चले गए। एक एक चीज अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, काजी बिजली क्यों महंगी हो रही, का मलेशिया से पाम ऑयल महंगा आ रहा है, नहीं आ रहा है इसलिए बिजली को पाम ऑयल से जोड़ दिया। सर आपने दुनिया के नक्शे जो हिला दिए, आपने जर्मनी जापान मिला दिया, मैं किस किस बात पर जाऊं। लेकिन मेरे ख्याल में ये मौजू फिर कभी सही। सर अभी के इलेक्ट्रिक, मैं हैरान था एक मुजाहरा देखकर कि पूरी हुकूमत असेंबली के बाहर, पूरी हुकूमत वो केई के खिलाफ मुजाहरा कर रही है। मैंने हुकूमत की इतनी बड़ी वजरा की तादाद और उनके इत्तादी, एक छोटे से इदारे जिसको मुशर्रफ दौर में इत्तादियों ने मिलकर प्राइवेटाइज कराया, उसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। और गुज़िश्ता बरस जितने लोग बारिशों में जान से गए, आज तक उनका कोई हिसाब नहीं हुआ। और इस बार फिर लोग जान से जा रहे हैं, लोग पानी में डूब के नहीं मरते सर, लोग पानी में करंट की वजह से मर जाते हैं, और आप ट्वीट किए जाएं। सर अगर हमने प्राइवेटाइज करना है और अगर हालात इतने खराब हैं, और बकौल जॉन एलिया के कि क्या सितम है कि अब तेरी सूरत गौर करने पे याद आती है, कौन इस घर की देखभाल करे, रोज एक चीज टूट जाती है, तो सर फिर पूरा मुल्क ही एक साथ प्राइवेटाइज कर दे, ये तो बड़ा अच्छा फिर आपको दाम मिल सकता है। हम तो मुल्क खरीदना चाहते थे ना, लेकिन अब हम उस नहज पे आ गए हैं कि शायद हमें मुल्क बेचने पड़े। जनाब अली आगे चलिए, हमने आपको मशवरा यह दिया कि यह मुनासिब वक्त नहीं, इस वक्त दुनिया में कोविड की वजह से रिसेशन है, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं, लेकिन जो आइकन्स हैं हमारे, जो हमारे शहीदों की निशानियां हैं,
उनको खुदारा औने पौने एटीएम्स को ना दिया जाए। ये हमारी सजेशन थी, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल में एटीएम जल्दी में है, उनको आसपास के हालात बदलते नजर आ रहे हैं, वो अपना लगाया हुआ पैसा सूद समेत वापस चाहते हैं। आज हर रोज कराची के लोग बिजली को तरसते हैं और रोजाना बिजली महंगी होती है, बिजली मिलती भी नहीं, महंगी भी होती है। नकवी साहब का कोई नाम नहीं लेता, एक शख्स ने नाम लिया था, उसको उसके ओहदे से हटा दिया गया। पटेल साहब 10 मिनट हो गए, सर आप हुक्म करें 10 मिनट और करूं? 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। अच्छा, मैं समझा आप कह रहे हैं 10 मिनट और, मैं सर 5 मिनट कर दें जी। जनाब अली, कराची के जो मसाइल हैं और प्राइवेटाइजेशन के जो मसाइल हैं, इसके लिए सबको सर जोड़ के बैठना होगा। ये इस मुल्क आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम मौजूदा अरकान से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें और खामोशी इख्तियार करें। सर पीछ ऐसे उसकी तरफ ना हो, ये रूल के खिलाफ है सर। ये इस तरह की बातें ना करें, आपकी भी पीठ किसी की तरफ है, ये बातें नहीं करें बिल्कुल। सर चेयर की तरफ ये बातें नहीं करें, नहीं करते सर, रूल के खिलाफ ये है। आप इस तरह बात नहीं करें, सब जो है वो अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं जी। सर मैंने रूल कोट किया आपका, सर मैंने तो रूल कोट किया है। ये अपनी निशस्त पे जा रहा है तो इसकी पीठ इसी तरफ होगी, अगर नहीं, वो पीछे बैठ जाते हुए नहीं सर, खड़े हुए जाते हुए नहीं कह रहा सर, जाते हुए आते हुए छोड़े, आप अपनी स्पीच करें निजकारी पे। खड़े हुए होते कहता, पता नहीं आप क्यों नाराज होते सर। मैंने तो सही रूल कोट किया था, बहरहाल आप अपना उसका मतलब निकाल लेते हैं, इससे मेरा मतलब नहीं था। जनाब अली, हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर प्राइवेटाइजेशन तशरीफ रखते हैं, हमें उनसे बड़ी तवक्कुआत है। खुदा के वास्ते उनका माजी का तजुर्बा, वो इस ना तजुर्बेकार जो रिजीम आई है, जिसने मुल्क का पट्टा बिठा दिया है, जिसमें आटा चीनी दाल पेट्रोल सब गायब कर दिया, गरीब को बेरोजगार कर दिया है, अपना वो तजुर्बा इन ना तजुर्बेकार ना अहल ना लायक लोगों के साथ मिलकर अपनी प्राइवेटाइजेशन, इस तरह की प्राइवेटाइजेशन करके अपने भी सियासी कैरियर को दांव पे न लगाएं। सही जी, शुक्रिया जी।